देशों में बहुत प्रसन्नता है। हजारों साल पहले ऋषियों ने इस कुंभ की परंपरा डाली है और उनका कोई बहुत बड़ा लक्ष्य रहा होगा कि देश के सभी संत इकट्ठे हों और देश की समस्याओं का हल करें। दूसरा, आस्था से जोड़कर यहाँ लोग स्नान करेंगे, इकट्ठे होंगे, संतों के ज्ञान विज्ञान से परिचित होंगे और हमारे संस्कार धर्म के मजबूत होंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। क्योंकि पशु अपनी प्रकृति से नियंत्रित हैं, वो अपनी प्रकृति के विपरीत कुछ नहीं करते। मनुष्य ही एक ऐसा है जिसको प्रकृति ने अपने से थोड़ा मुक्त कर दिया है, बंधन ढीले कर दिए हैं, इसको स्वयं चुनाव करने का अधिकार दे दिया है। इसलिए मनुष्य कभी कभी इच्छाओं वासनाओं के कारण बहुत गलत रास्ता पकड़ता है। तो मनुष्य इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करे, प्रकृति की संकेत को समझे कि संसार की आवश्यकताओं को पूरी करते हुए उस सत्य तक पहुँचे जो प्रकृति के पार है। जैसे माँ अपने पेट में बच्चे को रखती है, फिर अपने से बाहर कर देती है, फिर कुछ दिन वो दूध पीकर माँ के अधीन रहता है, फिर वो माँ से भी और आगे चला जाता है। तो इसी तरह ये जीव पहले प्रकृति की गोद में है, गर्भ में पला, फिर थोड़ा बाहर हुआ, फिर और आज़ादी, अब वो प्रकृति से मुक्त होकर परमात्मा तक जाए, इसके लिए कुंभ है। कोई कोई भाग्यशाली इस कुंभ का सचमुच उपयोग करेंगे और यूँ तो जो भी आते हैं कुछ ना कुछ पुण्य तो प्राप्त करेंगे ही, स्नान करेंगे, संतों का दर्शन करेंगे। और अच्छा हो कि इस प्रकृति के संकेत को समझें कि प्रकृति अपने गर्भ में अपने से पार ले जाने के लिए जन्म दिया है। जैसे माँ ने, फिर कहें, माँ ने पेट में रखे रहने के लिए पेट में नहीं है, पेट से बाहर करना है। अब पेट से बाहर करके अपना दूध पिला करके ही नहीं पालना है, उससे और आगे शक्तिशाली बनाना है। ऐसे ही प्रकृति ने अपने बंधन में रखा है, इसलिए कि हम प्रकृति के बंधन से भी पार चले जाएं। यही कुंभ का, संतों का उद्देश्य है। जो इतने देश भर के संत इकट्ठे हुए हैं, पंडाल लगाए हैं, कथाएं करते हैं, उपदेश करते हैं, तो ये महत लक्ष्य है जो इसको पूरा करना है। और दुनिया में मनुष्य के अलावा कोई सत्य के खोजने के लिए पैदा नहीं, वो सब जीता है, खाता है और समाप्त होता है। मनुष्य अकेला ही है जो सत्य की खोज के लिए पैदा हुआ है। इसलिए इसी के लिए बड़े बड़े कुंभ हैं, सत्संग हैं, कथाएं हैं। इस प्रयोजन को मनुष्य समझे और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाए। ओम शांति शांति शांति।